से आला ही निकला जीजा का हत्यारा। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार के आदेश अनुसार अपराधियों पर नियंत्रण व गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया प्रदीप त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चकिया रहमतुल्ला को उस समय बड़ी सफलता मिली जब तथ्य के आधार पर विगत दो दिन पहले किए गए हत्या में शामिल अपराधी हत्थे चढ़ा। अभियुक्त बलवंत शहानी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि अपने मित्र राजकुमार पाल के कहने पर योजनाबद्ध तरीके से मुजफ्फरपुर डैम में राजकुमार के जीजा राजेंद्र पाल को शराब पिलाकर डैम में धक्का दे दिए थे, जिस कारण डूबकर राजेंद्र पाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। साथ ही बताया कि जीजा का राजकुमार पाल की भाभी के साथ अवैध संबंध था। अवैध संबंध को लेकर राजकुमार पाल अपने जीजा राजेंद्र पाल से हमेशा चिढ़ा रहता था, जिसको लेकर राजकुमार पाल अपने मित्र बलवंत सहानी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी थी। पाइट अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार चंदोली की खास रिपोर्ट। ये राजेंद्र नाम का व्यक्ति जमालपुर मिर्जापुर का रहने वाला था। 18 तारीख को सुबह ये मुजफ्फरपुर के पास कर्मनाशा नदी चंद्रप्रभा नदी में इसका सब तैरता हुआ मिला था। ये अपनी ससुराल आया था, जहां इसके तरह से अवैध संबंध थे। बलवन जो गिरफ्तार है, इसके निशाने में मोटरसाइकिल बरामद हो गई। इसका मेन अभियुक्त जो राजकुमार है वो फरार है। सीओ चकिया के नेतृत्व में टीमें गठित हैं, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई।